स्वागत बाटे रुआ सबके हमार खास प्रोग्राम ओ वुमनिया में। ए प्रोग्राम में हम बताइले इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल हर वो ताज़ा तरीन खबर के लेके जो जनला के बाद रुआ सबके होखेला बहुत खुशी। प्रोग्राम के अंत में हम वो दर्शक लोग के मैसेज भी बताइले जो हर कोई अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर भेजेला। तो चली हम प्रोग्राम के शुरुआत कर दे तानी कहे कि मैसेज अंत में बताएं कहले रनिया बहुत सारे मैसेज लेके आए लेकिन बहुत सारा लोग कहले नहीं खे यही से जो मैसेज ना बताएं जब तक रहो लोग मैसेज ना करें हम हूँ ना बताएं यही से सीधा सीधा खबर बता देता नहीं जैमें कुछ खबर खेसारी लाल से जुड़ल बटे कुछ खबर और फेवरेट स्टार पवन सिंह से भी जुड़ल होगी कुछ खबर निरहू से जुड़ल तो कुछ अक्षरा सिंह से भी जुड़ल काहे कि अक्षरा सिंह देखी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में छाइल बड़ी उनका नया नया फिल्म आ रहा बा नया नया कलाकार लोग के साथे जेकरा के देखला के बाद ऐसा कहल जा रहा बा कि बॉर्ड स्टार का साथे अक्षरा के फिल्म मिलल बंद हो गई बा। तो वहाँ में पवन सिंह के गाना जब से रिलीज भइल बाटे पहले गाना से बहुत ज़्यादा चर्चा बटोर ले बड़े सबके रिकॉर्ड टूट गई बा। एक दिन में देवी गीत के एल्बम के बहुत कई लाख लोग देख ले बा भाई दूसर वीडियो सॉन्ग के भी शूटिंग कर रहा बड़े। तो वहाँ में अगर खेसारी के बात कहल जाओ तो आजकल खेसारी अपन नया नया फिल्म के शूटिंग के लेके चर्चा में बढ़े। तो वहाँ में सुने में आई बा कि दबंग सरकार के रिलीजिंग डेट के आगे खातिर टाल देवल गई बा। दबंग सरकार दशहरा के मौके पर रिलीज होके वाला रौलक हो लेकिन बीतल दिन पहले ए फिल्म के मेकर्स लोग लाइव आयल आ दर्शक लोग से क्षमा मांगल कि हम दशहरा पे ना आ पाए कहे कि सेंसर बोर्ड के कोनो परेशानी बटे यही से ए फिल्म में थोड़ा टाइम लग सकता। अभी फाइनली रिलीजिंग डेट सामने नहींखे आयल लेकिन हो सकता नवरात्र के अंत तक होखते होखते ए फिल्म के दूसरा रिलीजिंग डेट भी रहो सबके सामने आओ। तो वहाँ में निरहुआ भी चर्चा में बढ़े आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे लें दर्शक लोग से बहुत ज़्यादा अटैच में बढ़े। तो हुए उनका जोड़ीदार आम्रपाली दुबे रितेश पांडे के साथ ही अपन केमिस्ट्री के लेके बहुत चर्चा में बढ़ी। देखी एक ही फिल्म रितेश पांडे के साथ कोयले बढ़ी लेकिन केमिस्ट्री की चर्चा इतना जोर पर बटे जितना पता ना कितना फिल्म कर ले हुई हैं दोनों लोग के जोड़े के बहुत पसंद कल जा रहा बा। अभी तक रितेश के जितना तस्वीर हीरोइन लोग के साथ सामने आए शूटिंग के सब कोई के साथ उनका जोड़ी एकदम बेस्ट लागेला। फिल्म कैसन होगी तो पता नहीं कि काहे के रिलीज नहीं के भइल लेकिन तस्वीर में दोनों लोग के केमिस्ट्री बहुत बढ़िया लगा था। तो फिलहाल जे जे खबर हम बतौले बनी ओकरा के विस्तार से जानी आराम से देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर वीडियो एडिटर कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा की हीरोइन मृगनैनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह को गायकी की दुनिया में जैसे ही उन्होंने कदम रखा उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की और भी ऐसी कई हीरोइनें हैं जिन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी जिसमें हाल ही में जो नाम सामने आया है वो नाम है काजल राघवानी का। और काजल की गायकी को लेकर क्या कहा अक्षरा सिंह ने आइए आप लोगों को सुनाते हैं। अब कंपटीशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है मुझे लगता है मेरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है बाकी लोग अच्छा करें मेरे तरफ से बेस्ट विशेस सभी लोग। भोजपुरी सिनेमा की मृगनयनी अक्षरा सिंह आजकल अपने नए नए देवी गीत और उस पर मिले दर्शकों के प्यार से काफ़ी खुश हैं। अपने सिंगर के तौर पर भी पहचान बनाने के बावजूद अक्षरा हर समय दर्शकों को कुछ नया देने की कोशिश कर रही हैं। बीते दिन पहले अक्षरा की एक नई फिल्म का मुहूर्त हुआ है जिसका नाम अभी तय नहीं किया गया है जिसमें अक्षरा कोई बड़े सुपरस्टार के साथ नहीं नजर आएंगी लेकिन अक्षरा ने इतनी लोकप्रियता जरूर बटोर ली है कि उनके नाम से भी लोग फिल्म देखने जरूर जाएंगे। इस फिल्म के हीरो होंगे अमरीश सिंह जो अक्षरा के साथ पहली बार फिल्म करने जा रहे हैं और इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी हैं। वल जाते जाते बता दें कि इस फिल्म के मुहूर्त में ही अक्षरा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहती नजर आई हैं कि बलमजी लव यू फिल्म में दर्शकों को एक बार फिर से मेरी और खेसारी जी की जोड़ी पसंद आएगी मेरा डांस पसंद आएगा क्योंकि एक जमाने में मेरी और खेसारी जी की जोड़ी हिट हुआ करती थी।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात बोलते समय अक्षरा के चेहरे का एक्सप्रेशन ये साफ साफ बयां कर रहा था कि जैसे वो खेसारी के साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और फिर से खेसारी के साथ लीड रोल में फिल्में करना चाहती हूँ। लेकिन शायद अक्षरा के मन की बात खेसारी समझ ही नहीं पाते, इसलिए तो वो अपनी फिल्मों में नई नई हीरोइनों को ले रहे हैं और शायद इसलिए अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में भी अक्षरा को निमंत्रण देना खेसारी भूल गए थे। भोजपुरी फिल्मों के सबसे छोटे उम्र के युवा कलाकार ऋषभ कश्यप गोलू ने इंडस्ट्री में बाल कलाकार के रूप में ही शुरुआत की थी निरहुआ के साथ। उन्हीं की फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला में इस फिल्म में गोलू ने निरहुआ के भतीजे का किरदार निभाया था। इस फिल्म में गोलू ने एक गाना गाया था, मिली त मिली ना त जय सियाराम। इस फिल्म में निरहुआ और गोलू की जोड़ी की काफी तारीफें की गई थी, ये जोड़ी काफी पॉपुलर भी हुई। इस गाने को उस समय पर इतनी ज्यादा सुर्खियां मिली थी कि एक एक बच्चों की जुबान पर भी ये गाना आ गया था। इस गाने को सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छे अच्छे व्यूज मिले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोलू के इसी फेमस गाने पर एक फिल्म बन रही है? जी हाँ, नेहा श्री इस फिल्म का निर्माण कर रही है, जिन्होंने इससे पहले चना जोर गरम भी बनाई थी जो सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म से नेहा नई फिल्म का निर्माण कर रही हैं जिसका नाम होगा मिली त मिली ना त जय सियाराम। इस फिल्म से जुड़ा पहला लुक भी सामने आ चुका है जिसमें मदारी के किरदार में गोलू नजर आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह का गाना लॉकर में धर आवाज जवानी गाने का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ है, जो कि फिल्म माँ तुझे सलाम का गाना है। और इस गाने को सोशल मीडिया पर रिलीज होने से पहले ही पवन सिंह खेसारी लाल यादव की हीरोइन आकांक्षा अवस्थी के साथ इस पर डांस कर चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों को हम बता दें कि हाल ही में भोजपुरी इंटरनेशनल अवार्ड शो में पवन सिंह ने आकांक्षा अवस्थी के साथ डांस किया था, वो भी एक इसी गाने पर। और सोशल मीडिया पर आकांक्षा अवस्थी के साथ पवन के इस गाने के प्रैक्टिस के समय की वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई है, जिस वीडियो में आकांक्षा अवस्थी पवन के साथ डांस करती हुई दिखाई दी है। वैसे आकांक्षा अवस्थी के साथ पवन की दोस्ती बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और बहुत जल्द ये दोनों एक साथ फिल्म काली चरण में भी नजर आने वाले हैं। भोजपुरी की हीरोइन अक्षरा सिंह के स्माइल बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अक्षरा सिंह को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। जैसे कि आज अपने फिल्म के मुहूर्त के समय अचानक से एक व्यक्ति पर अक्षरा को गुस्सा आ गया, जो कि उनका वीडियो इंटरव्यू के समय अपने मोबाइल पे बना रहा था। देखिए जरा अक्षरा सिंह कैसे भड़कती हुई नजर आई है। आप अलग से इसका क्या करने वाले भैया, इसको मैं समझ नहीं पा रहा। YouTube चैनल पे जाएगा क्या? चलिए चलिए, सॉरी। आप अलग से इसका क्या करने वाले भैया, इसको मैं समझ नहीं पा रहा। YouTube चैनल पे जाएगा क्या? चलिए चलिए, सॉरी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कभी विलेन का रोल करने वाले तो कभी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले अभिनेता संजय पांडे ने आज म्यूजिकल ऐप का इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर भी शेयर किया है। और हम आज इस वीडियो का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संजय ने वीडियो को बनाते समय सिगरेट पीते हुए वो दिखाई दिए हैं। जी हाँ, वैसे तो इस सेहत के लिए सिगरेट रिपीट जी हाँ वैसे तो सेहत के लिए सिगरेट पीना हानिकारक होता है, लेकिन इस वीडियो में संजय सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने वो वीडियो बनाया है। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि संजय पांडे को सिगरेट पीने की और नशे की लत लग गई है। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि संजय पांडे ये वीडियो बहुत मस्ती भरे अंदाज के साथ बना रहे हैं और इस वीडियो को उन्होंने बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। और संजय इस समय पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिसमें वो कभी एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं तो कभी डांसिंग। अक्षरा सिंह ने आज हीरो अमरीश सिंह के साथ मिलकर एक नई फिल्म साइन की है। हालांकि फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म की कहानी के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक महिला प्रधान फिल्म है, जिसमें एक लड़की को अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज पर यकीन होता है। लेकिन जब इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह निजी तौर पर शादी को लेकर सवाल पूछे गए तो आइए आप लोगों को सुनाते हैं कि किस तरह से इन सवालों पर अक्षरा कन्नी काटते हुए नजर आई।
जी, जैसा कि विलू जी ने बताया कि एक ऐसी लड़की जो कि अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं रखती, लव मैरिज में विश्वास रखती है, आपका पर्सनल स्टेक क्या है इसके ऊपर, आपका स्टैंड क्या है बेसिकली? फिलहाल मैं कोई स्टैंड के लायक ही नहीं हूँ, सो मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में. अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज में आई डोंट नो व्हाट इज बेटर व्हाट नॉट, क्योंकि सोचा नहीं मैंने इस बारे में. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायकी के सिरमौर पवन सिंह ने परसों यानी कि 9 अक्टूबर को अपने पहले देवी गीत रिलीज किया था, जिस एल्बम का नाम मेरी माँ और गाने के बोल है मेला घूमे ऐनी, और इस गाने को पवन सिंह के साथ मिलकर प्रियंका सिंह ने गाया था. और अब 9 तारीख के इस गाने को ऑडियो के रिलीज करने के बाद जिस गाने को दर्शकों की तरफ से भरपूर प्यार मिला था, अब ऐसे में पवन सिंह अपने देवी गीत के ऑडियो रिलीज होने के बाद अब वो इस गाने का वीडियो सॉन्ग की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, जिसकी कई तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर आई हैं, जिन्हें पवन सिंह देवी गीत की शूटिंग में पूरी तरीके से बिजी नजर आए. वेल, आप लोगों को बताना चाहेंगे पवन सिंह देवी गीत के साथ साथ अपनी फिल्मों की शूटिंग पर भी खास ध्यान दे रहे हैं और लगातार फिल्मों की शूटिंग में वो बिजी हैं. आज के ओ वुमनिया प्रोग्राम से जुड़ल में खाली इहे खास खबर रोलक हो, चले के समय हो चुकल बा, अब मैसेज कुछ हैले नहीं के यही से नहीं की बतावत, लेकिन उम्मीद छोड़ के जाता नहीं कि रोज सब मैसेज जरूर करें जेकरा के हम अगला एपिसोड में लेके लाएं और नाम भी बताएं, सब कोई सुनी सब कोई देखी, तो मैसेज करल बिल्कुल मत भूलें. लेकिन फिलहाल खातिर हमरा के दी इजाजत, प्रणाम. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें.